नमस्ते, मेरा नाम सोहे है, टोक्यो जापान से हूँ। मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी सीखता हूँ और इसी भाषा में वीडियोस बनाता हूँ YouTube के लिए। ये है आज का रेस्तरां, मिनी पंजाब लेक साइड। इस रेस्तरां में दरा सिंह थाली नाम की बड़ी थाली बहुत प्रसिद्ध होती है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी थाली के रूप में जानी जाती है। सब्सक्राइबर्स 5 लाख से ज्यादा होने की खुशी में ऑर्डर करने जा रहा हूँ और आप सबको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि वो थाली कैसी है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, मुझे दरअसल थाली खाना है, तो क्या आप बना सकते हैं? या श्योर, मैं अभी बोल देता हूँ। हाँ जी, इट विल बी राइट बैक। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। और ये लोग तैयारी करने लगे हैं। देखते हैं इस विशाल थाली में कितनी सब्जियां और कितने आहार आते हैं। ये ऑलरेडी काफी सारे हैं, काफी भारी थाली है। मैंने शाकाहारी थाली ऑर्डर किया है। देखिए कितने सारे आहार है और कितना सुंदर खूबसूरत लग रहा है। और इस थाली को उठाने के लिए 2 जन लगते हैं, इतनी भारी थाली है। ये थाली कितनी भारी है? कम से कम रहेगा 5 किलो तक तो। अच्छा, 5 किलो तक रहेगा कम से कम। अच्छा, तो आपके हाथ में दर्द नहीं हुआ ना? तो होता है, 2 जन क्या करे। देखिए कितनी भारी है, कितनी बड़ी है रसिन थाली। दरअसल थाली इंडिया में सबसे बड़ी थाली के रूप में जानी जाती है। और as you can see, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इस एक विशाल थाली में इतने सारे प्रकारों के आहार है। दिखकर पहचानना ऑलमोस्ट असंभव है सबके लिए। तो इसके लिए मेन्यू भी मुझे दिया गया हुआ है, जिस पर हर आहार का विवरण लिखा हुआ है। और कुछ आ रहा है सर, डेजर्ट है। वाह, डेजर्ट। इसमें है जलेबी, गुलाब जामुन, बस 2 ही चीज़ें हैं जो मैं पहचान पाया। आप यहाँ खड़े वेज थाली, दाल की वेज थाली, दाल खिचड़ी, राइस, वेज बिरयानी, जीरा आलू, भिंडी, मिक्स वेजिटेबल, भिंडी, मिक्स वेजिटेबल। किस चीज़ से खाना शुरू करना चाहिए होता है? Can I start with पनीर पूरी? चलो गाइस, मैं पनीर पूरी से शुरू करता हूँ। ओके, ये पनीर पूरी खुद बनाना मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए पहली बार है। इतना की मास, चीयर्स गाइस। ऑफ कोर्स थोड़ा तीखा है मेरे लिए, हल्का मीठा भी है और इसका बहुत डीप गहरा स्वाद है। वैसे मुझे पनीर पूरी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अब मैं स्टार्टर खाना शुरू करना चाहता हूँ। स्टार्टर है जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है। अमृतसरी टिक्की काफी विशाल है, इसका आकार कट के खाना पड़ेगा। अमृतसरी टिक्की मतलब पंजाबी पारंपरिक स्टार्टर, करेक्ट? ये खाना मेरे लिए पहली बार है। चीयर्स, इतराकिमास। It's very good. शायद ये दही से बनता होगा ना? इसमें दही नहीं है। अच्छा, तो किस चीज से बनता है? तो आलू है ज्यादातर इसमें, है ना? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसा मैंने पहली बार खाया है, बहुत बहुत स्वादिष्ट है, लजीज, अच्छा लग रहा है। नान एंड द दाल मखनी इज अ गुड कॉम्बिनेशन। ओके, मक्खन। अच्छा, ये है मक्की की रोटी जिसका रंग पीला है, और इसके साथ साग।
सरसों का साग, ये हरी सब्जी है ना, इसके साथ ये हरी सब्जी खाना प्रसिद्ध अंदाज होता है खाने का, करेक्ट। और केवल ये सब्जी नहीं बल्कि मक्खन, मक्खन नाम की एक चीज है, बटर, जो कि बटर है। अच्छा लगा लिया, इधर चीयर्स। और इस सब्जी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस थाली को अकेले खत्म करने से पहले ये मिठाइयाँ दी हुई हैं मुझे, भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ हैं, ट्राई करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं खा लेता हूँ जलेबी, वेरी स्वीट, अच्छा है, बहुत स्वीट है। माल पुआ, माल पुआ ऐसा दिखता है। काफी अच्छा है, इसमें जीरा भी है, इसमें जीरा नहीं है, सौंग है, सौंग। ये तो काफी काफी प्रसिद्ध भारतीय मिठाई है, जो कि जामुन, गुलाब जामुन। मुझे मालूम है ये कितनी मीठी होती है, पर मुझे तैयार होना पड़ेगा ज्यादा मीठा खाने के लिए। तरकीमास जापानी खाने में कुछ भी खाना ज्यादा तीखा नहीं होता है और ज्यादा मीठा नहीं होता है, तो ये मेरे कैपेसिटी से ज्यादा मीठा हो गया, मतलब काफी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लगता तो है, मगर चीनी का मात्रा है ना इसमें डाला जाता है। हर बार जब भी मैं ये खाता हूँ गुलाब जामुन, तो मैं हर बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, मगर अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, स्वादिष्ट है। Okay guys, thank you for watching my video. If you like my work, please do not forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. ठीक है यार, सब्सक्राइब तो कर लेना प्लीज। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय।